से तीन शेयर ऐसे हैं जो आज बढ़कर खुलने जा रहे हैं, लेकिन 47 शेयर ऐसे हैं जो नुकसान के साथ खुलेंगे। टाटा के दोनों शेयर, टाटा कंज्यूमर और टाटा मोटर्स, आज आपको कमजोरी के साथ शुरुआत में दिखेंगे। तो अब तो समय ही हो गया मार्केट खोलने का, चेक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। आज आईटी का बहुत बड़ा रोल होगा इस पूरे फॉल को रोकने के लिए, वो नॉन क्रूड वाला हिस्सा भी है। 200 पॉइंट की गिरावट और 22300 के ऊपर हमने ओपन किया, 22300 को मेंटेन करने की कर रहे हैं कोशिश। 48000 का एक सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी इसको जल्दी जल्दी नहीं तोड़ेगा ऐसा लगता है डाटा देखकर, इसलिए 48200 हो गया। खुलते ही अगर आपने प्लस किया तो 40 पॉइंट आपने निफ्टी के अंदर जोड़ लिए, और अगर खुलते ही आपने बैंक निफ्टी प्लस किया है तो करीब 150 पॉइंट आपने बैंक निफ्टी के भी जोड़ लिए। ये मैंने आपके सामने खुल्लम खुल्ला आज हमने डंके की चोट पे कहा कि खुलते ही एक बार पोजीशंस लेने में समझदारी, क्योंकि दोनों सपोर्ट एरियाज पे खुल रहे हैं। आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन उतनी फेवरेबल नहीं है, सिर्फ 151 शेयर हैं, 1800 शेयर आपको डाउन में दिखेंगे, लेकिन मेरे को बड़े शेयरों में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। आज मेरे लिए मिड कैप का डे ही नहीं है, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, मेरे लिए मिड कैप का डे आज का दिन नहीं है। आज सिर्फ बड़े शेयर्स को चेक करूंगा और उसी में ही अपनी पोजीशंस देखना चाहूंगा। पहले मैं टॉप गेनर्स आपको फिर से स्क्रीन पर दिखाता हूं। हिंडालको दिखाइए जरा, ONGC दिखाइए, श्रीराम फाइनेंस दिखाइए, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस भी जरा दिखाइएगा आज सभी शेयर्स में। ये हिंडालको आप देख पा रहे हैं 2.5% ऊपर है, ठीक जी। तो एक शुरुआती जो एक ब्लिप आता है, जो आपके पास अकाउंट में पैसा आता है, वो 100-150 पॉइंट आप के अपने अंदर लेके आ चुके हो आप ऑलरेडी, ठीक जी। अब आपने अपने बाइंग का ही स्टॉप लॉस लगाना, एंट्री करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना चाहिए और वॉल्यूम कम करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। मार्केट में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं चल रही है। TCS का एक बार शेयर मेरा स्क्रीन पे दिखाना, इन्फोसिस दिखाओ, विप्रो, SLTech दिखाओ। आज थोड़ा लीक से हटके चेक करो मार्केट को, आज रूटीन मार्केट चेक करने का नहीं है, आज पॉकेट टू पॉकेट चेक करने का, क्योंकि हर पॉकेट के साथ कोई ना कोई न्यूज़ है। आज ऑयल मार्केटिंग के शेयर्स भी दिखाना स्क्रीन पर। अभी ये TCS आप देख पा रहे हो सिर्फ 13 रुपये नीचे है, दिखाइए इन्फोसिस, दिखाइए विप्रो, दिखाइए SLTech, इन सब में गिरावट 1% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और रिवर्सल में सबसे पहले इन्फोसिस और TCS का नाम आना चाहिए। अगर आ जाता है तो आप सोच लीजिएगा बाजार अपने आप को रोक लेगा यहाँ पे, अगर ये नहीं लाते हैं तो फिर थोड़ा संभल जाइएगा, फिर थोड़ा रुक जाएंगे हम। दिखाइए जरा ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज, ONGC ये भी दिखा सकते हैं आप, IOC, BPCL, HPCL ये भी दिखाइए आप, इन सभी शेयर्स को दिखाइए। थोड़ा क्रूड वाला फैक्टर चेक कर कि बाजार में इस समय की सिचुएशन क्या कह रही है। दो ही तीन चीज़ें हैं बस, इससे अगर मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आज मार्केट के अंदर, मैं शांति से बैठूंगा और अगर कोई लेवल्स मेरे को मिलेंगे, मेरे कंफर्ट के लेवल मिलेंगे तो मैं एंट्री करूंगा, नहीं तो मैं रुका रहूंगा, ठीक जी। एक राउंड की मैं ऑलरेडी एक एक दो दो लॉट पोजीशन ले चुका हूं आपके सामने ही, आपको बोल के, आपके साथ ही कह के, और मैंने बता दूं फिर से हमने कोई पोजीशन ली नहीं, बट वर्चुअली आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। BPCL, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर्स, पहले जब मैंने चार शेयर्स के नाम लिया उसमें से तीन टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, थोड़ी चली हुई हैं तो प्रॉफिट बुकिंग होना स्वाभाविक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक। 128 शेयरों का एडवांस डिक्लाइन अभी भी आपको बता रहा होगा और 19 शेयर हैं। मैं जरा इस लीक से हट के थोड़ा सा आपको 100 शेयर्स भी बता देता हूँ निफ्टी के, उसमें आप नेस्ले इंडिया को भी दिखाइए, भारती एयरटेल को भी दिखा सकते हैं स्टार्टिंग में ही आप, यहाँ पर भी आपको कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं दिखेगी। और जो गिर रहे हैं उसमें एक रेलवे काउंटर है IRFC, जोमेटो 2% नीचे है और जियोफिन भी आज आपको 3% नीचे दिखेगा। मैं थोड़ी एक और नोच के ऊपर चला जाता हूँ, 200 वाली कैटेगरी में जाके चेक कर रहा हूं तो मेरे को वहां पर फोर्टिस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और नेस्ले इंडिया जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं वहां पे दिखा है। टॉरेंट पावर के अंदर 5% की गिरावट है, ध्यान रखिएगा टॉरेंट ग्रुप को लेकर मार्केट में बहुत सारी खबरें चल रही हैं इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के रिगार्डिंग। कल भी एक बड़ा वीडियो मार्केट के अंदर यूट्यूब पे घूम रहा था टॉरेंट ग्रुप के रिगार्डिंग। वेदांता में आज 5th week हाई टेस्ट किया है और उसमें फॉल ज़्यादा नहीं है, सुबह भसीन साहब आपको बता रहे थे। दिखाइए जरा आप TCS और इन्फोसिस, जो मेरा कॉन्फिडेंस था कि TCS और इन्फोसिस के अंदर आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा और IT आपकी हेल्प करेगा, एक बार जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए TCS को और एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाइए इन्फोसिस को। ये इन्फोसिस आ गया हरे निशान में, एक बार जरा TCS भी दिखाइए, TCS भी आ गया हरे निशान में। तो ये आपको सिर्फ पकड़ना है पॉकेट टू पॉकेट की कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पूरा बाजार खरीदा नहीं जाएगा, पूरा बाजार बेचा नहीं जाएगा बॉस। बहुत ध्यान से आज ट्रेड करने का समय है, नहीं समझ में आ रहा है तो शांति से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सृष्टि आपको बता रही है छोटे मझोले शेयर्स, फिर अभिषेक आपके सामने रखेंगे आज के ओपनिंग के सौदे। तो जी हाँ, पिछले
से 5 मिनट में देखें तो कुछ आईटी काउंटर्स हैं जहां पे निचले स्तरों से एक अपटिक ज़रूर आया है। जैसे कि डिम्पी जी बता रहे थे कि TCS अब हरे निशान में आ गए, परसिस्टेंट सिस्टम्स भी निचले स्तरों से अच्छी बाई वहां पे आई है, पर मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहां पे लाजमी है कि गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, 2-2% जो है गिरते हुए नज़र आए हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स, और कई सारे स्टॉक्स भी हैं जो कि एक्शन में हैं। गिरावट वाले शेयर्स आपके सामने रख देते हैं तो खास तौर से स्पार्क, यहाँ पे हम लगातार इसकी गिरावट हाईलाइट कर रहे हैं। आज कंपनी की एक कॉन कॉल भी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं वो नज़र रखेंगे। सुजलॉन एनर्जी 5% का लोअर सर्किट, वेल्सपन कॉरपोरेशन यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट, 5% का गिरावट, इंडो काउंट यहाँ पे लगभग 6% की गिरावट हम देख रहे हैं। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे गिरावट काफ़ी हावी हो रही है। NBCC यहाँ पे देखिए आप करीब 7% की गिरावट है, और MMTC यहाँ पे भी 6% की हम गिरावट देख रहे हैं। तो कई सारे PSUs जहाँ पे बहुत ज़्यादा भरोसा था वैल्यूएशंस के रिगार्डिंग, वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हो रही है। पर कुछ बढ़ने वाले शेयर्स में ध्यान रखिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि मॉर्गन स्टैनली की काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है, यहाँ पे लगभग 2.5% की तेज़ी देख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे भी 2% की तेज़ी है। FPO में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसी खबरें आई थी पिछले सत्र में, और उसके बाद देखिए एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पे, और AstraDM 100 रुपये से ज़्यादा के भी डिविडेंड्स का ऐलान किया है कंपनी ने, यहाँ पे भी लगभग 10% की हम तेज़ी देख रहे हैं। कुछ और काउंटर्स, CSB बैंक क्योंकि गोल्ड लोन रिलेटेड कंपनी है, 1% की यहाँ पे तेज़ी है। ONGC में लगभग 1% का उछाल है। चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स यहाँ पे भी लगभग 1.5% की हम तेज़ी देख रहे हैं। मोटा मोटी कहें तो गिरावट वाले शेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पर जी हाँ, कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स खबरों के दम पे तेज़ी भी आज ज़रूर दिखा रहे हैं। अभिषेक को गोल्ड भी आप जोड़ लीजिए, अपडेट इनके अच्छे आए थे और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में 4-5% के आसपास की तेजी है, लेकिन अब 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हो गई है निफ्टी में, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ से प्रेशर आज ज़्यादा है। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे NSE के शेयरों पर, तो 2000 जो शेयर हैं वो लाल निशान में हैं और सिर्फ 119 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 22300 को बचाने की कोशिश करता हुआ निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करें तो 48,000 के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। 550 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में, यानी कि रिकॉर्ड हाई से तकरीबन 1,000 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में हो गई है। हालांकि अगर आप निफ्टी के शेयरों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, वहाँ पर रिकवरी अच्छी है, और जो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है वो कहीं ना कहीं बड़ी है। शुरुआत 2 शेयरों के साथ हुई थी, अब 5 शेयर बाकायदा हर निशान में आकर ट्रेड कर रहे हैं। तो IT से थोड़ा सा आपको सपोर्ट आज मिलेगा और हो सकता है कि रिकवरी थोड़ी सी और बढ़े, क्योंकि नतीजे तो अच्छे हैं, ये सिर्फ सेंटिमेंट के आधार पर ये शेयर टूट रहे हैं।